हेलो चो, गुड इवनिंग। सब ठीक ठाक? चलिए, तो आज मैं केमिकल किनेटिक्स का अगला लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं, और आप लोग से अनुरोध है, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। हिंदी वाले हैं हिंदी लिख लीजिए, इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश लिख लीजिए, ठीक है। ओके, ठीक है। और अगर आपका इच्छा है तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बताओ कि आप लोग यदि इससे पहले वाले चैनल देखे ना, तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, आप उससे जो है, ठीक है, और वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आगे वाला वीडियो समझने के लिए वो सभी लेक्चर को देखना जरूरी है, ठीक है। यदि वो सभी नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। वीडियो पूरा देखिए, कि पूरा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। पूरा जब भी देखिए तो वीडियो पूरा देखिए, अन्यथा मत देखिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने अभिक्रिया के दर के बारे में चर्चा कर लिया था कि जो अभिक्रिया ज्यादा स्पीड से होता है उसका दर काफी अधिक होता है, और जो अभिक्रिया कम स्पीड से होता है उसका दर काफी कम होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। इसको गुडबर्ग और बागे नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का हिंदी होता है सक्रिय द्रव्यमान का नियम। ये बोलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो स्पीड होता है, पहले मैं कोई रासायनिक अभिक्रिया दे देता हूं, मान लो ए बी से रिएक्शन किया और क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। तो यहां पर अभिक्रिया का जो दर होगा, ठीक है ना, गुडबर्ग और बागे नामक वैज्ञानिक बोलते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होता है, अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है, ठीक है। और समानुपाती का जब चिन्ह हटेगा, ठीक है, साइन हटेगा, तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट यहां पर होता है कौन, के होता है, ठीक है। और इस के को हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट, या वेलोसिटी कांस्टेंट, या तो स्पीड कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, ये किसी भी रिएक्शन का जो स्पीड होगा, रेट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, अभिकारक के सांद्रता, रिएक्टेंट के सांद्रता के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है, प्रोडक्ट के सीधा समानुपाती होता है। इसी को हम लोग कहते हैं सक्रिय द्रव्यमान का नियम, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां पर देखते हैं रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन, तो रेट एक्सप्रेशन बोले या वेलोसिटी एक्सप्रेशन बोले या स्पीड एक्सप्रेशन बोले, सारा बात सेम है, और इसी को हम लोग कहते हैं रेट लॉ, मतलब दर का नियम, दर का नियम। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो ये जो इक्वेशन लिखते हैं ना, ये जो व्यंजक लिखते हैं ना, इसी व्यंजक को, इसी फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं दर व्यंजक या दर का नियम, ठीक है। तो R इक्वल टू के ए पर पावर ए और बी पर पावर बी, ठीक है। तो पूछेगा कि रेट एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि वैसा एक्सप्रेशन, वैसा फॉर्मूला, वैसा व्यंजक जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर, दर स्थिरांक मतलब रेट कांस्टेंट, और अभिकारक की सांद्रता मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन के बीच में रिलेशन मतलब संबंध को बताता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, रेट एक्सप्रेशन कहते हैं, या तो रेट लॉ कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देख लें कि आर इक्वल टू के ए पर पावर ए और बी पर पावर बी, ठीक है। अब हम यहां बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। तो हमने जो यहां पर रेट लॉ लिखा है, यहां पर अभिकारक के सांद्रता पर जो पावर रहता है, इस पावर को ऐड कर दीजिए, तो पावर को ऐड करने के बाद जो हमें मिलता है, इसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। पूछेगा अभिक्रिया कोटि किसे कहते हैं, तो बोलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेट लॉ
मतलब दर का नियम या तो रेट एक्सप्रेशन दर का व्यंजक में अभिकारक की समता पर चढ़ाए गए पावर के योग को हम लोग कहते हैं अभिक्रिया की कोटि, और अभिक्रिया की कोटि को हम लोग छोटका एन से लिखते हैं, और छोटका एन क्या हो जाएगा इस अभिक्रिया के लिए, क्या हो जाएगा इस अभिक्रिया के लिए ए प्लस बी, ठीक है। और इस एन का मान जो है जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई है न बट्टा भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, ठीक है न। यदि अभिक्रिया की कोटि माना जाए तो इसको हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यदि एन का मान जीरो आ जाए तो जीरो ऑर्डर एक शब्द शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। एन का मान टू आ जाए तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यदि एन का मान क्या जाए फोर आ जाए तो फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, अगर थ्री आ जाएगा तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। इस तरह से एन का मान जितना रहेगा उसी अनुसार से क्या होगा, उसी अनुसार से उस कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एन का मान वन तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एन का मान जीरो तो जीरो शून्य कोटि की अभिक्रिया, एन का मान टू तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, एन का मान थ्री तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन के लिए यदि हम रेट लॉ लिखे, मतलब रेट एक्सप्रेशन लिखे, तो उसमें जो अधिकारक की संगता पर जो घात चढ़ाया जाता है उसी घात के योग को हम लोग कहते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और एन इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ठीक है। जो भी पावर है उस पावर को ऐड कर दीजिए, वही हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि। अच्छा, आप लोग के पास टेलीग्राम में डीपीपी जो है 3 दिया जा चुका है, और वहां पर इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट वहां ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को, और नोट्स को देख करके आप वहां पर जो डीपीपी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस डीपीपी के क्वेश्चन को बनाइए और देखिए, मैं अगला लेक्चर में जो है उसका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो वहां पर देखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमारे पास है 2a प्लस 1b मान लीजिए बनाता 3c, ठीक है ना। तो यदि इससे पूछेगा कि आप इसके लिए रेट लॉ लिखिए, रेट एक्सप्रेशन लिखिए, तो लिखेगा आर इक्वल टू के ए पर पावर 2 और बी पर पावर 1। पूछेगा यह कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तो जो पावर है उसको ऐड कर दीजिए, तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, थर्ड कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। तो उम्मीद है आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा कि ठीक है कि अभिक्रिया की कोटि हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। तो मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ क्या कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। तो किसी भी रिएक्शन में अभिक्रिया की जो दर होती है अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। यहाँ आर जो है अभिक्रिया का स्पीड है, रेट है, ठीक है। के जो है वो कांस्टेंट है जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं। ए और बी जो है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, और ए और बी जो है मोलों की संख्या है, नंबर ऑफ मोल है, ठीक है। जो आगे आता है उसको नंबर ऑफ मोल कहते हैं, या तो हम लोग बोलते हैं ठीक है स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, रस समीकरण द्वितीय गुणांक बोलते हैं इसको, ठीक है ने? अगर रेट एक्सप्रेशन पूछे रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ क्या है, तो बोलिएगा कि वैसा एक्सप्रेशन वैसा व्यंजक जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक और क्या ठीक है अभिकारक के सांद्रता के बीच में संबंध को बतलाता है उसे हम लोग दर व्यंजक या दर का नियम कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया कोटि क्या होता है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रेट लॉ जो भी रेट लॉ उसको लिखाता है किसी भी रिएक्शन का, तो उस पर जो अभिकारक के सांद्रता पर जो घात रहता है उस घात को ऐड कर दीजिए, तो जो मुझे मिलेगा वही हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि। इसको छुटकाइयों से लिखते हैं, ठीक है। या निगेटिव पॉजिटिव शून्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यदि एन का मान 1 आ जाए कोटि 1 आ जाए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, 0 आ जाए तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, इस तरह से हो जाएगा। और डीपीपी आपको 3 दिया गया है, आप वहां से अलग अलग रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखिए और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। आप लोग करके रखिएगा, मैं अगला लेक्चर में ठीक है लेक्चर नंबर जो भी नेक्स्ट आएगा उसमें मैं उसका सोल्यूशन करवा दूंगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं रेट कांस्टेंट को हम लोग हिंदी में बोला करते हैं दर स्थिरांक क्या होता है समझ ले, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है, आर इक्वल टू के
ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि हमारे पास कोई रिएक्शन है और ये रिएक्शन जो है प्रोडक्ट को बना दिया, ठीक है ना। तो इसके लिए ये आर का मान लिखिए तो के ए पर पावर ए हो जाएगा। यदि हम लोग क्या करते हैं, इसकी मोलरता जो है 1 मोलर लेके चलते हैं। आप लोग जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग मोलरता भी कहते हैं, सांद्रता भी कहते हैं, ठीक है। तो 1 मोलर ले लिए तो उस कंडीशन में क्या होगा, आर इक्वल टू के 1 पर पावर a, ठीक है। आर इक्वल टू के इंटू 1, इसलिए क्या होगा, आर इक्वल टू के, सो के इक्वल टू क्या हो गया, आर हो गया, के इक्वल टू आर हो गया। अब आप लोग जानते हैं कि 1 पर पावर 1 का मान 1 होता है, 1 पर पावर 0 का मान 1 होता है, 1 पर पावर 2 का मान 1 होता है, 1 पर पावर x का मान 1 होता है, सो 1 पर पावर 1 का मान कितना जाएगा, 1 जाएगा। मतलब क्या कि 1 पर पावर कुछ भी रहे उसका वैल्यू हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। तो के इक्वल टू कितना हो गया, के इक्वल कितना हो गया, आर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यदि हमारे पास कोई रिएक्शन हो और उसमें अभिकारक अगर 2 हो या 3 हो या 4 जितना भी हो, सभी का अगर मोलरता या सांद्रता जो है, ठीक है, 1 मोलर लिया जाता है, तो उस समय जो उस रिएक्शन का स्पीड मिलता है, रेट मिलता है, उसी रेट को हम लोग रेट कॉन्स्टेंट कहते हैं। अलग अलग रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट का मान अलग अलग होता है। आगे वाला लेक्चर में बताऊंगा कि किस किस रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट का मान कितना, रेट कॉन्स्टेंट का जो मात्रक होता है, यूनिट जो होता है, वो क्या क्या होता है, ठीक है। तो k इक्वल टू r हो गया, ठीक है। तो आगे वाला लेक्चर में मैं बता दूंगा कि कौन कौन से रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट का जो यूनिट होता है वो क्या क्या होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि रेट कॉन्स्टेंट जो है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान देगा, अब रेट कॉन्स्टेंट जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला, रिएक्शन के नेचर पर, ठीक है, रिएक्शन किस टाइप का है। यदि कोई फास्ट रिएक्शन रहेगा तो उसके लिए के का वैल्यू ज्यादा रहेगा, यदि कोई स्लो रिएक्शन रहेगा तो उसके लिए के का वैल्यू कम रहेगा, ठीक है। अगला, टेम्परेचर पर, ताप पर, आगे हम बात करेंगे टेम्परेचर पर किस प्रकार से डिपेंड करता है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो है कॉन्सेंट्रेशन पर, सॉरी कैटलिस्ट पर, कैटलिस्ट पर, ठीक है। अभी कैटलिस्ट क्या है आगे हम बात करेंगे, जो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा दे या तो घटा दे, वैसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। नहीं देखते हैं हम लोग कि घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो कोई लड़ाई को उसकाने वाला भी रहता है, मतलब बढ़ाने वाला भी रहता है, और कोई लड़ाई को कम करने वाला रहता है, मतलब समझाने वाला भी रहता है। तो 2 आदमी के बीच में लड़ाई होता है तो तीसरा आदमी आ गया जो उस झगड़ा को बढ़ा रहा है तो घटा रहा है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से 2 अगर अभिकारक है तो उनके बीच में एक तीसरा पदार्थ ऐसा आ जाता है जो अभिक्रिया के स्पीड को बढ़ा दे या तो घटा दे, तो जो पदार्थ आया है उसी को हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला, ठीक है, तो रेट कॉन्स्टेंट जो है इन 3 बात पर निर्भर करता है। पहले रिएक्शन के प्रकार पर, टेम्परेचर पर, और क्या, कैटलिस्ट पर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो k का जो वैल्यू होता है, रेट कॉन्स्टेंट जो होता है, वो कभी भी, ठीक है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे आप जानते हैं कि y बराबर मान ली जाए कि x+b है, तो x का मान यदि 1 रखूंगा तो y का मान 1+b आएगा, x का मान 2 रखूंगा तो y का मान 2+b आएगा। मतलब क्या कि x का वैल्यू मैं अलग अलग रख रहा हूं तो y का वैल्यू बदल रहा है, बट b का तो वैल्यू वही है, मतलब b के वैल्यू में कोई अंतर नहीं जा रहा है, ठीक। उसी प्रकार से यदि मान ले जाए हमारे पास कोई रिएक्शन है r बराबर k, a पर पावर a और b पर पावर b, कुछ भी है, ठीक है, तो रिएक्शन होगा तो क्या होगा, अभिकारक धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होगा। तो यदि यही दोनों कुछ हो गए उससे इसको क्या फर्क पड़ेगा, हाँ r का वैल्यू कम बेसी होगा, कम और ज्यादा होगा, लेकिन k का वैल्यू कम ज्यादा होने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी कहते हैं कि कोई भी रिएक्शन रहे, ठीक है, तो उस रिएक्शन के लिए के का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, चाहे तो शुरू में हो या तो अंत में हो या तो बीच में हो, तो उस रिएक्शन के लिए के का वैल्यू हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। तो ओके, यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग के लिए होमवर्क आ गया, जो डीपीपी है, ठीक है, 3, उस डीपीपी 3 को आप लोग पढ़िए, डीपीपी 3 को आप बढ़ाइए, और अगला लेक्चर में मैं उसको सॉल्यूशन करूंगा। और इसके बाद लेक्चर आने वाला है वो लेक्चर VVI है, किसी भी कंपटीशन के लिए या तो आपके बोर्ड वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या लेक्चर नंबर इसके बाद के बाद वाला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगला जो है लेक्चर में जो है हम DPP3 का जो है वो सॉल्यूशन दूंगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि किसी भी अभिक्रिया के लिए रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है कैसे निकालते हैं।
ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए और बहुत बड़ा तरीका है, वही लेक्चर नंबर नेक्स्ट के नेक्स्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय।